हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर पार्टीवेयर अम्ब्रेला गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है, जो कि मैंने 1 मीटर लिया है, जो मैं स्लीव्स में यूज करूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक मैंने 3 मीटर लिया हुआ है और लाइनिंग मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। लेंथ इसकी मैंने 15 इंच ली है, जितनी तैयार चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। और 4 फोल्ड में मैंने इसे 10.5 इंच लिया हुआ है। इसमें मैं 34 साइज की कुर्ती बनाऊँगी। और इसके बाद यहाँ बंद वाले साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं इसमें 6.5 इंच मार्क करूँगी, यहाँ मैंने मार्क किया। आर्म होल के लिए भी मैं इसमें 6.5 इंच मार्क करूँगी। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के इस तरह से। इसके बाद हमें चेस्ट का 1/4 + 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो टोटल मैं 10.5 इंच ले रही हूँ 34 चेस्ट साइज के लिए। यहाँ आर्म होल का हाफ मार्क कर लेंगे और इसे गुलाई देंगे इस तरह से। फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद हम वेस्ट मार्क कर लेंगे। तो 28 वेस्ट साइज के लिए मैं टोटल 9 इंच मार्क कर रही हूँ, वेस्ट का 1/4 + 2 इंच इस तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद यहाँ नीचे की साइड हल्की सी गोलाई मार्क करेंगे 1/2 इंच से। और इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं इसमें 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ इस तरह से। मैंने 2.5 इंच मार्क किया, जितनी हम नॉर्मल मार्क करते हैं उसमें उससे मैंने 1/2 इंच कम ली है। और इसके बाद नेक डीप मार्क करेंगे। तो फ्रंट के लिए मैं इसमें 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ, फ्रंट से यह छोटी होगी और बैक से मैं इसे डीप बनाऊंगी। इस तरह से 2 इंच पे मैंने मार्क किया, गोलाई में शेप दी है। और यहाँ से होल शोल्डर पे 1/2 इंच की स्लोप देंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसमें से एक पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट कर लेंगे और नेक बेस की हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है इस तरह से। इसके बाद जो बैक का पार्ट है वो हम लेंगे और इसमें नेक मार्क करेंगे। तो नेक डीप, यहाँ पे जो बैक की नेक है मैं वो डीप रखूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 11.5 इंच तक मार्क कर रही हूँ और इसे इस तरह से वी शेप में मार्क करेंगे तरह से। मैंने मार्क कर लिया है और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने नेक कट कर ली बैक पार्ट की। और इसके बाद सेम इसी तरह से जो मेन फैब्रिक है उसमें भी हम कट करेंगे टॉप का पार्ट। तो इसे हम खोल के रख लेते हैं। इस तरह से खोल के रख लिया है सिंगल लेयर में और जो लाइनिंग हमने कट की है वो इसके ऊपर रखते हुए हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो पहले पिन से फिक्स कर लेंगे इस तरह से चारों तरफ से। तो इस तरह से देखिए मैंने पिन से फिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही कट कर लिए हैं टॉप पार्ट। हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। और इसके बाद हम इसका बॉटम कट करेंगे। तो फैब्रिक डबल फोल्ड है, इसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे इस तरह से। मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है, ये 4 लेयर हैं। और इसके बाद ये टॉप पार्ट हम लेंगे और इसमें वेस्ट मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए बन साइड की तरफ बन साइड रखेंगे और वेस्ट इसकी हम मार्क कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ से देख लेते हैं तो ये लगभग जितना भी है 11.5 इंच उसको हम गोलाई में मार्क कर लेंगे।
इस तरह से मैंने गोलाई में वेस्ट इसकी मार्क कर ली है। और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे। तो जो टॉप पार्ट की लेंथ ऊपर ली है 14 इंच, वो हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम लेंथ इसकी मार्क करेंगे। तो तैयार मुझे ये 52 इंच की चाहिए। हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, 53 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 53 इंच मार्क किया है। और इसके बाद यहाँ से ये जितनी भी लेंथ आ रही है उसको गोलाई में हम इंच टेप को खिसकाते हुए मार्क कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उसे 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी गोलाई हम मार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अभी इसमें देखिए इसके दो पार्ट्स कम हैं नीचे की साइड, तो पहले इसकी किनारी हम कट कर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पे जॉइंट करना है दो लेयर्स। तो यहाँ पे हम पिन से फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कपड़ा बचा हुआ है वहाँ से रखते हुए हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखेंगे। इस तरह से पिन से फिक्स कर लेंगे। ये कपड़ा काफ़ी सरकने वाला है इसलिए मैं इसे पहले पिन से फिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। इस तरह से देखिए पिन से फिक्स कर लिया है। इस तरह से पलट लेते हैं इसे। और इसके बाद इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ। तो ये हमने बॉटम बेस का कट कर लिया है। यहाँ से हम इसे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए सीधी वाली साइड एक साथ मिला के रखनी है इस तरह से। और उसके बाद पिन से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। जो दूसरी लेयर है उसमें भी दोनों सीधी साइड एक साथ मिला के रखेंगे इस तरह से। और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये जो लाइनिंग है उसे हम बॉटम के लिए कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 होल में रखा हुआ है। और ये जो बॉटम का पार्ट हमने कट किया है वो इस तरह से रख लेंगे बन साइड की तरफ, बन साइड। और यहाँ पे वेस्ट हम मार्क कर लेंगे। और जो लाइनिंग की लेंथ है वो हम मेन फैब्रिक से 4 से 5 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 46 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से, क्रॉस में नीचे तक मिला लेंगे। यहाँ कॉर्नर पे गोलाई देंगे तो यहाँ 3 इंच मार्क कर लेंगे और इसे गोलाई देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने बॉटम का लाइनिंग भी कट कर लिया है। अभी वेस्ट से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर की साइड रखते हुए लाइनिंग को इस तरह से यहाँ वेस्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और टॉप पार्ट को देखिए, हमने चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। और नेक के लिए हमने ये स्ट्रिप कट कर ली है नेक के शेप की। फ्रंट और बैक दोनों के लिए इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्ट्रिप में देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, इसमें छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड टर्न करके हम इसमें हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से टर्न कर लेना है फ्रंट वाले पार्ट को भी, डबल फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से देखिए इसकी नेक मैंने तैयार कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। ये बैक का पार्ट है। और इसके बाद ये जो बॉटम का पार्ट है वो हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे वेस्ट से। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारे पास फैब्रिक है नेट फैब्रिक, इसको हम फोर फोल्ड में रख लेंगे। इसके किनारे की साइड ये डिज़ाइन है, तो इस तरह से फोर फोल्ड करना है हमें। विड्थ इसकी जितनी आर्म होल कट की थी उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। और यहाँ से स्लीव की लेंथ हम मार्क करेंगे। तो मैं इसमें 20 इंच मार्क कर रही हूँ स्लीव की लेंथ। इसमें 1/2 इंच का मार्जिन आपको रखना है, क्योंकि एक साइड इसमें फोल्ड नहीं करना है, इसलिए मार्जिन मैंने सिर्फ 1/2 इंच रखा हुआ है। तो मैंने 20 इंच पर मार्क कर लिया है। और इसके बाद यहाँ से हमारा 4 इंच बच रहा है, तो मैं इसमें पफ स्लीव बनाऊंगी, उसके लिए ये यूज होगा। यहाँ से 3 इंच नीचे मार्क करेंगे और इसे स्लीव की गोलाई देंगे। इस तरह से देखिए नॉर्मल स्लीव जैसे हम गोलाई मार्क करते हैं उसी तरह से इसे मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ से नाप लेंगे, जितनी आपने आर्म होल कट की थी वो मार्क कर लेंगे। यहाँ मैंने मार्क किया 6.5 इंच पे। और यहाँ देखिए इस तरह की शेप देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसमें हम शेप मार्क कर लेंगे। यहाँ स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स हमने कट कर ली है। अभी देखिए हम स्लीव को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए ये जहां हमने 6.5 इंच मार्क किया था यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से देखिए। तो अभी मैं इसे पिन से फिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे मार्क कर लें। दूसरी साइड से भी इसी तरह से जहाँ हम 6.5 इंच हमने मार्क किया था वहाँ पे फिक्स कर लेंगे। अब देखिए बीच में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है स्लीव्स में, उसमें हम प्लेट्स बनाएंगे ताकि यहाँ पे पफ के डिज़ाइन बन सके। तो इस तरह से यहाँ देखिए सेंटर मार्क कर लेंगे स्लीव का, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ सेंटर हमने मार्क किया। उसके बाद इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम निशान बना देते हैं। और यहाँ पे हम नाप लेते हैं, ये जो हमने निशान लगाया था तो ये लगभग 2.5 इंच आ रहा है। दोनों साइड से ये 2.5 इंच आ रहा है। अब हमें जो प्लेट्स बनानी है वो अंदर की साइड करके बनानी है, इस तरह से अंदर की साइड होते हुए। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ आएगी जहाँ तक हम प्लेट्स बनाएंगे वो 2.5 इंच की आनी चाहिए। इस तरह से देखिए दोनों साइड 2.5 इंच आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये प्लेट्स में सिलाई लगा ली है
इस तरह से ये पफ हमारी बन गई है। और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे कुर्ती के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सेंटर में ला के रखेंगे और इस तरह से इसमें स्लीव को हम इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, सेंटर में ला के रखना है और स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी स्लीव्स अटैच कर ली हैं। और इसके बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं। इस तरह से मैंने रख लिया है। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। वेस्ट का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 मार्क करना है। वेस्ट का भी 1/4 मार्क कर लेना है। इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेंगे इस तरह से। और नीचे तक इसकी हमें सिलाई लगानी है इस तरह से देखिए। अब यहाँ से जो मेन फैब्रिक है उसकी सिलाई हम अलग लगाएंगे और लाइनिंग की सिलाई हम अलग पकड़ते हुए लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से वेस्ट के बाद लाइनिंग की अलग और मेन फैब्रिक की अलग पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे से इसके घेर को भी डबल फोल्ड कर लेंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को ही। और इसके बाद यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसमें मैंने बेल्ट भी अटैच कर ली है नेट वाले फैब्रिक से। ये बैक का पार्ट है इसका, बैक में इसकी नॉट आएगी। तो हमारा गाउन बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।